हाँ सर, बस फोरकास्ट वाला टॉपिक बाकी है आपके जो इलास्टिसिटी और पॉलिसी। कि आपने 11th से 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वही है। तो कोई भी चीज को सप्लाई कब बोलेगी? अब मान लो मेरे पास मेरे गोडाउन में 1000 आईफोन की यूनिट्स रखे हुए हैं सेल करने के लिए, तो ये सप्लाई हो गया क्या? मेरे पास 1000 आईफोन की यूनिट्स है, ये सप्लाई है क्या? मेरे पास स्टॉक है 1000 आईफोन का, तो ये सप्लाई है क्या? इंडिया का सप्लाई सर नो, व्हाई? क्योंकि आइडियली उसकी इतनी डिमांड भी होनी चाहिए। अगर आपके पास स्टॉक है लेकिन डिमांड ही नहीं है तो वो सप्लाई हो ही नहीं सकता। नहीं, डिमांड अलग कंसेप्ट है, सप्लाई अलग कंसेप्ट है। सब अभी सिर्फ सप्लाई समझ रहे, सप्लाई हैज नथिंग टू डू विद डिमांड एज ऑफ नाउ। सप्लाई की डेफिनेशन में सप्लाई हैज नथिंग टू डू विद डिमांड। प्रोडक्ट की डिमांड हो या ना हो, उससे सप्लाई का कुछ लेना देना नहीं है डेफिनेशन में। तो हम कब कहेंगे कि किसी के चीज का सप्लाई है? तो सप्लाई होने के लिए दो बातें होनी चाहिए। एक होनी चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक। सेकेंड बात होनी चाहिए विलिंगनेस टू सेल। सेकेंड बात होनी चाहिए विलिंगनेस टू सेल। अब अगर मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, वो मुझे बोलता है कि मुझे वन प्लस नॉर्ड चाहिए, वन प्लस नॉर्ड चाहिए, ठीक है। अब अगर मेरे शॉप में वो अवेलेबल है, मेरे पास वन प्लस नॉट है, तो ये क्या हो गया? स्टॉक हो गया। ये क्या है? मेरा स्टॉक है, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक। ये क्या है? मेरा स्टॉक है। पहली सिचुएशन, ये जो मेरे पास 1000 आईफोन यूनिट्स थे, ये क्या था? मेरा स्टॉक था, ठीक है। अब मेरी इच्छा है क्या कि ये मैं जो वन प्लस नॉट मेरे पास रखा है, ये मैं बेचना चाहता हूँ? मेरी विलिंगनेस है क्या? इफ यस, अगर यस, तो फिर ये क्या हो गया? ये हो गया सप्लाई। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि मुझे मेरे पास रखे हैं, जैसे कि मेरे पास ऑयल केक है, ऑयल केक समझता है आपको, या सोयाबीन है समझो, ठीक है, सोयाबीन है, मेरे गोडाउन में सोयाबीन रखा हुआ है, लेकिन ये मैं बेच रहा हूं क्या? मैंने किसी को ऑफर किया है क्या? नहीं, मेरे पास स्टॉक तो अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक है, लेकिन मैं बेच रहा हूँ क्या? ऑफर टू सेल है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे लग रहा है इसकी प्राइस राइज होने वाली है, तो मैंने ये स्टॉक करके रखा है। जब मुझे जितनी प्राइस चाहिए, वो प्राइस अगर अचीव हो गई, तब मैं इसे बेचने के लिए निकालूंगा। अभी क्या है? ये मैंने सिर्फ स्टॉक करके रखा है, ठीक है। तो हमारे पास स्टॉक बहुत हो सकता है, लेकिन हमारे पास जितना भी स्टॉक है वो नॉट इक्वल टू सप्लाई है। अगर हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक का मतलब सप्लाई नहीं होता, स्टॉक अवेलेबल रहा प्लस हमारी इच्छा होनी चाहिए उसको बेचने की, मतलब ऑफर टू सेल होना चाहिए, ऑफर टू सेल होना चाहिए। तो अगर ये दो बातें सेटिस्फाई होती है, तभी हम कहते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या है? सप्लाई है। ओके, अब सर आपके मन आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर मेरे ये ऑफर टू सेल मतलब क्या? कोई न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ेगा या चिल्ला चिल्ला के बुलाना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। अब ये मान लो शॉप है, इस शॉप में जितने भी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे सर, हैं, हर्षा कनेक्ट नहीं हो पाई है। सर अर्षा तो थी अभी तक, काफी देर अभी से उसका हुई। मुझे कॉल आया था 2 मिनट पहले। ओके, वो प्रिपेयरिंग, उनके साइड से शायद से नेटवर्क का इश्यू है। हाँ सर शायद। एक बार बात करो ना। शायद ओल्ड भी। हाँ मैं 2 सेकंड में बात करके बताती हूँ। हाँ
सर उसका तो कनेक्ट नहीं हो रहा है। कनेक्ट नहीं हो रहा है? नहीं सर। एक काम करता मैं अभी इमीडिएटली जो चल रहा है उसको रिकॉर्ड करके इमीडिएटली अपलोड करता, या एक काम करो। सर हाँ सर ये रिकॉर्ड नहीं हो सकता क्या? मतलब लाइव हाँ इंट्रैक्शन सेशन मतलब मुझे ज्यादा कन्वीनियंट है। हाँ ठीक है, तो इसको चालू रखते हैं, इसको ही अभी रिकॉर्ड करने का ट्राई करता, शायद उसमें क्वालिटी बरोबर नहीं आती, तो ये रिकॉर्ड करके देखते हैं, अपन अच्छी क्वालिटी आई तो फिर इसको ही अपलोड कर देता। ठीक है, तो हाँ हाँ ठीक है ना सर। उनको ऐसा मैसेज डाल दो, अगर कनेक्ट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर इसका भी बैकअप दे दूंगा मैं। हाँ हाँ ठीक है सर, बोल देती हूँ मैं, एक सेकेंड सिर्फ। सर उसका रिप्लाई आ गया है। ठीक है, कंटिन्यू करूँ ना? ओके, तो हाँ सर। हमने देखा सप्लाई दो बातों पे निर्भर करता है, एक हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए और हमने ऑफर टू सेल देना चाहिए। हमने क्या देना चाहिए? ऑफर टू सेल, मतलब हमारा विलिंगनेस टू सेल होना चाहिए। अब ये सर ऑफर टू सेल मतलब क्या, हम एक एक कस्टमर को चिल्ला चिल्ला के बुलाएंगे क्या? नहीं, अभी अगर हमारी मोबाइल शॉप ही है, मोबाइल शॉपिंग में हमारे पास जितने भी मोबाइल्स है, मतलब जो भी डिस्प्ले में लगा हुआ है, ये क्या है? यही तो है सर ऑफर टू सेल, है ना? अब कोई शॉप कीपर शॉप स्टार्ट करता है तो उसके शॉप में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट्स क्या एक एक को चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि रबर ले लो, पेंसिल ले लो, पेन ले लो? नहीं, उसके पास जितना भी डिस्प्ले में लगा हुआ है सब कुछ क्या है? ऑफर टू सेल है। तो हमारे पास स्टॉक भी होना चाहिए और विलिंगनेस टू सेल भी होना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं सप्लाई। ठीक है, अब हम देखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई। सप्लाई तीन बातों पे निर्भर करता है, पहला है प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है, अदर थिंग्स भी निर्भर। देखो ये हमने उसमें भी देखा था, डिमांड में भी देखा था, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सेटिरस पेरिबस, सेटिरस पेरिबस मतलब हमने इसको बोला, सेटिरस पेरिबस, द हायर द रिलेटिव प्राइस ऑफ द गुड्स द ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ इट दैट विल बी सप्लाइड। Because goods and services are produced by the firm in order to earn profit. Profit rises if the price of its product rises. देखो, हम क्या देख रहे हैं? Determinants of supply. Determinants of supply. अब determinants of supply में हमने पहला देखा है price of the goods. Price of the goods. अब जो product है उसकी अगर प्राइस ज्यादा रहेगी तो उसका सप्लाई कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, क्या लगता है आपको? ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहेगा, क्यों? क्योंकि देखो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। वर्षा कनेक्ट हो गई है। देखो अर्षा, हम पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई में हमने पहला डिटरमिनेंट देखा प्राइस ऑफ द गुड्स। तो अब हर्षा, हमारा जो प्रोडक्ट है अगर उसकी प्राइस ज्यादा रहेगी ना, कोई भी एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस ज्यादा है उसका सप्लाई कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा सर ये? हाँ, क्यों ज्यादा रहेगा? ये एकदम लॉजिकल है सर। देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? यस, हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। हर्षा, अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो टेंशन मत लेना, मैंने ये रिकॉर्डिंग पे लगाया है, अगर देखते हैं ये रिकॉर्ड अच्छे से होता है क्या। रिकॉर्ड अगर क्वालिटी अच्छा हुआ रिकॉर्ड का तो मैं ये अपलोड भी कर दूंगा आज का लेक्चर, ठीक है? ओके सर। तो हमारा सर अब नहीं जाएगा नेट का इशू। अच्छा, कैसे? मैंने वाईफाई कनेक्ट कर लिया। ओके, मतलब वाईफाई था क्या आपके घर पे पहले से? नीचे के घर पे था, ऊपर रेंज नहीं आती थी तो अभी ऊपर कनेक्ट कर लिया। ओके ठीक है,
हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। हमारे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट, है ना। तो अब हमें प्रॉफिट ज्यादा करना है तो उसके लिए दो बातें हैं, एक तो कॉस्ट को कम कर दो या दूसरा है सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो, है ना। अब ऐसा कोई प्रोडक्ट है जैसे कि पेन है और पेंसिल है, पेन की कॉस्ट है 8 रुपए और पेंसिल की कॉस्ट है 8 रुपए। कॉस्ट मतलब कीमत, ये कॉस्ट की बात कर रहा हूँ जितने में हमें मिल रहा है। और पेन की सेलिंग प्राइस है 12 रुपए और पेंसिल की सेलिंग प्राइस है 15 रुपए। तो आप एक शॉपकीपर हो, आप कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल करना पसंद करोगे, पेन की पेंसिल? हेलो सर, पेन। सर एक बार रिपीट करना ना, क्योंकि देखो मेरे को स्क्रीन हाफली शेयर हो रही है। ओके, हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एक पेन है और एक पेंसिल है। हमने पेन खरीदा है 8 रुपयों में और उसे बेचा है 12 रुपयों में। पेंसिल खरीदते हैं हम 8 रुपए में और उसे बेचते हैं 15 रुपए में। तो आपका ज्यादा इंटरेस्ट कौन सी चीज बेचने में रहेगा, पेंसिल बेचने में रहेगा या पेंसिल? पेंसिल। क्यों? क्योंकि मार्जिन हमारा ज्यादा है। हाँ, इसमें मार्जिन ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है। तो पहला जो पॉइंट है डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई में, प्राइस ऑफ द गुड। तो ऐसे गुड जिसकी प्राइस ज्यादा है उसको सेल, उसका सप्लाई ज्यादा रहेगा। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, इसे नहीं भूलना है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ठीक है। सेकेंड है प्राइसेज ऑफ रिलेटेड गुड्स। इफ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स राइज, दे बिकम रिलेटिवली मोर प्रॉफिटेबल टू द फर्म टू प्रोड्यूस एंड सेल देन द गुड्स इन क्वेश्चन। It implies that if the price of Y rises, the quantity supplied of X will fall. For example, if the price of wheat rises, the farmers may shift their land to wheat production away from the corn and soya beans. इसी का मतलब है, देखो, इसी का मतलब है, अगर अगर ये पेन, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दो प्रोडक्ट है पेन और पेंसिल, पेन भी 8 रुपए का है, पेंसिल भी 8 रुपए की, पेन भी बिकता है 12 रुपए में, पेंसिल भी बिकती है 12 रुपए में, ठीक है। अब अगर अगर पेंसिल की प्राइस बढ़ रही है 12 से बढ़ के, कॉस्ट बोला या प्राइस बोला, दोनों भी बातें अप्लीकेबल है, ठीक है। अब अगर पेन की, पेंसिल की प्राइस बढ़ती है 12 से बढ़ के 15 हो जाती है, तो हम पेन का सेल कम कर देंगे, पेन का सप्लाई हम कम कर देंगे, है ना, और पेंसिल का सप्लाई बढ़ा देंगे। तो अगर हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है पेन, लेकिन हमने देखा कि पेंसिल की प्राइस बढ़ गई, तो हम पेन का बिजनेस कम कर देंगे और पेंसिल का बिजनेस बढ़ा देंगे। तो अदर प्रोडक्ट क्या आ गया, हमारा मेन प्रोडक्ट है पेन, अदर प्रोडक्ट है पेंसिल। अदर प्रोडक्ट, पेंसिल की प्राइस बढ़ी तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसका सप्लाई कम हो गया, है ना। तो अदर प्रोडक्ट की प्राइस के चेंज के वजह से भी, मतलब रिलेटेड गुड्स की प्राइस के चेंज के वजह से भी हमारे प्रोडक्ट का डिमांड, सप्लाई कम ज्यादा होता है। प्राइजेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हमारा अगला टॉपिक ये 3.1 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उसमें हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी हम ऐसा समझ लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जिन चीजों से हम, जो भी हम, जैसे कि हम पेंसिल बना रहे हैं, तो पेंसिल बनाने के लिए हमें जो जो रिसोर्सेज लगते हैं, उन सारे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हम समझ लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा हो रही है, हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट ज्यादा हो रही है, तो हम उसका सप्लाई ज्यादा करेंगे या कम करेंगे, क्या लगता है आपको? कम करेंगे। कम करेंगे, क्यों कम करेंगे? देखो, हमने अभी देखा था हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हाँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो अब हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए एक तो सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, जो कि हमने पहले दो इसमें देखा। दूसरा एग्जांपल है कॉस्ट प्राइस घटा दो, तो अगर कॉस्ट प्राइस घट रही है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, अगर हमारे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई तो इसका मतलब क्या होगा, हम सप्लाई कम कर देंगे। और सिमिलरली अगर कॉस्ट कम हो गई तो हम क्या कर देंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे,
एकदम लॉजिकल है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए है ना। तो प्रॉफिट कैसे ज्यादा आएगा, हमारी कॉस्ट कम होनी चाहिए, तो अगर कॉस्ट कम है तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे, ठीक है, सिंपल है ये। हाँ सर। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। हर्षा समझ रहा है, हर्षा है ना लाइन में सेशन में, हाँ सर समझ रहा। ओके। नेक्स्ट है ये जो थ्योरी लिखी है ना वही लिखी है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वही एग्जैक्टली लिखा है उसमें, आपने रीड करना है वो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, द सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो, इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस टेंड टू मेक इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर और बेटर गुड्स विद द सेम रिसोर्सेज, एंड दस दे टेंड टू इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ सब प्रोडक्ट्स एंड टू रिड्यूस द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर डिस्प्लेस्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड द ईज विद व्हिच Factor substitution can be made and the cost of such substitution also determines supply. देखो, हमारे goods के production में technology एक important role play करती है, ठीक है। अगर नई technique आ रही है, automatization हो रहा है, नवी techniques आ रही है, automatic plants and machineries लग रहा है, तो हमारा क्या होगा, एक मिनट हाँ, एक मिनट ये हैंग हो गया। स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं सर। नहीं सर, अभी हो रहा है। ठीक है, तो देखो टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी अगर अच्छी है तो हमारा क्या होगा, आउटपुट ज्यादा होगा है ना, आउटपुट ज्यादा आएगा, हमारी कॉस्ट कम लगेगी। तो अगर अच्छी लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो हमारा कॉस्ट, मतलब न्यू प्लांट एंड मशीनरी हमने पे इन्वेस्ट किया तो हमारी कॉस्ट तो बढ़ जाएगी ना। ये वन टाइम कॉस्ट है, जो प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, वन टाइम कॉस्ट है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी हम एवरी ईयर परचेज करते हैं या नहीं, एक बार परचेज कर लिया तो 5 साल 6 साल 10 साल 15 साल चलती है वो। तो टेक्नोलॉजी नवी आ गई तो वो वन टाइम कॉस्ट है, लेकिन हमारा पर यूनिट जो कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। जैसे कि हम कार खरीदते हैं तो कार खरीदते टाइम हम एवरेज क्यों देखते हैं, जो कार का एवरेज ज्यादा आता है वो कार एक्सपेंसिव भी आती है, और उसके बावजूद भी हम वो कार परचेज कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो वन टाइम खर्चा लग रहा है ना हमारा, उसके बाद तो हम जितना रन करेंगे उतना हमारा पेट्रोल सेम होगा है ना, तो ये वन टाइम कॉस्ट होती है। तो टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होती है उतना हमारा कॉस्ट सेविंग होता है। जैसे कि एसी, जो पुराने एसी आते थे वो पावर ज्यादा खींचते थे, ज्यादा पावर कंज्यूम करते थे, अभी जो एयर कंडीशन आ रहे हैं 5 स्टार 3 स्टार डुअल इन्वर्टर इन्वर्टर एसी जो आ रहे हैं, या आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर होगा रेफ्रिजरेटर पे लिखा होता है 5 स्टार है ना, तो ये क्यों होता है, ये महंगे होते हैं। कभी एक काम करना, आज बैच के बाद में आपने फ्लिपकार्ट ओपन करना, फ्लिपकार्ट ओपन करने के बाद में एयर कंडीशन सर्च करना, एयर कंडीशन सर्च करना, उसमें देखना जो थ्री और एक स्पेसिफिक कैटेगरी के देखना, जैसे कि 1 टन के देखना या 2 टन के एसी देखना, और उसमें देखना जो 3 स्टार वाला है उसकी प्राइस कितनी है, 5 स्टार वाला है उसकी प्राइस कितनी है। तो ऑब्वियसली 5 स्टार की ज्यादा रहेगी, क्यों, क्योंकि इससे हमारा पावर कंजम्पशन कैसा होगा, लो होगा। पावर कंजम्पशन लो हुआ मतलब हमारी कॉस्ट कम हुई, कॉस्ट कम हुई मतलब हमारा प्रॉफिट बढ़ा, और जहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा वहां पे हम सप्लाई बढ़ाएंगे। तो वही है, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होती है तो हमारा सप्लाई बढ़ता है, ठीक है। सर, गवर्नमेंट पॉलिसी, द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स मे बी सब्जेक्ट टू द इम्पोजिशन ऑफ कमोडिटी टैक्सेस सच एज एक्साइज ड्यूटी सेल्स टैक्स एंड इंपोर्ट ड्यूटीज, दिस रेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सो द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड वुड इंक्रीज ओनली व्हेन इट्स प्राइसेस इन द मार्केट राइजेस, सब्सिडीज ऑन द अदर हैंड रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अगला डिटरमिनेंट बोलते हैं ये गवर्नमेंट पॉलिसी, क्या बोलते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। अब मान लो गवर्नमेंट को किसी चीज का सप्लाई कम करवाना है मार्केट में, गवर्नमेंट चाहती है किसी एक पर्टिकुलर का
सप्लाई कम करे करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रेज कर देगी, उससे ड्यूटीज एंड टैक्सेस बढ़ा देगी, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, सिगरेट, सिगरेट जैसे कि सिगरेट है ना, तो गवर्नमेंट चाहती है कि अल्कोहल का और सिगरेट का सप्लाई कम हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है इस पे टैक्सेस बढ़ा देती है, ड्यूटीज बढ़ा देती है। ऑन द कॉन्ट्ररी गवर्नमेंट क्या चाहती है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का कंजम्पशन बढ़े, जैसे कि सोलर, सोलर एनर्जी हमें फ्रीली अवेलेबल है तो हमने इसका यूज बढ़ाना चाहिए है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सोलर हीटर, सोलर इन्वर्टर, इनका सप्लाई बढ़ाना है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को इनका सप्लाई बढ़ाना है तो सप्लाई कैसे बढ़ेगा, इसकी लोग, ये लोग खरीदना चाहिए, लोगों ने हीटर खरीदना चाहिए सोलर के, लोगों ने सोलर के इन्वर्टर खरीदना चाहिए, तो लोग कब खरीदेंगे, इसकी डिमांड कब जनरेट होगी, इसकी डिमांड जनरेट होगी जब इसकी कॉस्ट कम होगी, क्योंकि हमने देखा था प्राइस अगर कम हुई तो उसकी डिमांड ज्यादा, तो गवर्नमेंट क्या करती है इसकी प्राइस कम करने के लिए इस पे सब्सिडी देती है। सब्सिडी मतलब मान लो अगर सोलर हीटर आता है 1 लाख रुपयों का तो आपको उस पे सब्सिडी मिलेगी मान लो 30%, तो 1 लाख पे 30,000 रुपए गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे करेगी और अपने को नेट घर में गिरेगा ये 70,000 का, 30,000 रुपए गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे करेगी, या ऐसा समझ लो सब्सिडी मतलब एक डिस्काउंट होता है, सब्सिडी एक तरह का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो अगला डिटर्मिनेंट था गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री, अंडर कॉम्पिटेटिव कंडीशन सप्लाई विल बी मोर देन द देन दैट अंडर मोनोपोलाइज कंडीशन, इफ देर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट सप्लाई विल बी मोर। मोनोपोलाइज कंडीशन क्या होते हैं ये हमें फोर्थ टॉपिक में समझेगा, पूरा टॉपिक ही है मार्केट नाम का, उसमें पूरा ये भी चीज समझना है, समझना है हमें मोनोपोली क्या होती है, ओलिगोपोली क्या होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, ठीक है। तो अगर अगर कैसा है हमारा ओपन मार्केट है, जैसे कि हमारा वेजिटेबल मार्केट है, तो वहां पे क्या है बहुत सारे सप्लायर्स है, बहुत सारे लोग वेजिटेबल बेच रहे हैं है ना, तो यहाँ पे क्या होगा सप्लाई ज्यादा रहेगा, यहाँ क्या रहेगा प्रोडक्ट का सप्लाई ज्यादा रहेगा। लेकिन मान लो मोनोपोली है, मोनोपोली है, ये इसका टेंशन मत लो, ये हमको आगे वाले टॉपिक में समझ में आएगा। अगर मोनोपोली है जैसे कि IRCTC है, अब हमें पता है IRCTC से हमें जाना है अमरावती से पुणे की ट्रेन की टिकट बुक करना है तो हमें 1 महीना 2 महीना पहले बुक करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि इसका सप्लाई बहुत कम है, इसका सप्लाई बहुत कम है, एक ही व्यक्ति एक ही ऑर्गेनाइजेशन हमें ट्रेन सप्लाई कर रहा है, मतलब ट्रेन की सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके लिए हमें 2 महीना पहले 3 महीना पहले टिकट बुक कराना होगा। उसी के ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ट्रेवल्स से हमें जाना है तो ट्रेवल्स का टिकट तो आज शाम को जाना है तो सुबह 10 बजे भी हमने बुक किया तो हमें ट्रेवल्स मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेवल्स कितनी सारी है, आकाश ट्रेवल्स है, पर्पल है, VRL है, ऐसी अलग अलग ट्रेवल्स है ना। तो क्या है कि अगर कंपटीशन है, मार्केट कॉम्पिटेटिव है, बहुत सारे लोग मार्केट में है, तो उसका सप्लाई कैसा रहेगा ज्यादा, लेकिन मोनोपोली है ज्यादा लोग नहीं है मार्केट में तो उसका सप्लाई कैसा रहेगा कम, ठीक है। अदर फैक्टर्स द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन पॉलिसीज, गोल्स ऑफ द फर्म, infrastructural facilities, natural factors such as weather, floods, earthquake and man-made factors such as war, labor, strike, communal rights. तो ये other factors है, इन सब पे भी हमारे product का supply कम या ज्यादा depend करता है। जैसे कि अभी क्या हुआ, अभी factor क्या आ गया, COVID-19 आ गया, अब COVID-19 आ गया तो supply बढ़ गया ना, बोलो yes or no? No sir. No. हमारे जो चीजें हमें जो प्रोडक्ट्स लगते हैं उनका सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं COVID-19 आने से सैनिटाइजर का सप्लाई बढ़ गया क्या? हाँ सर। यस, तो ये जो अदर फैक्टर्स है वो हर प्रोडक्ट को हिट करता है, किसी चीज का सप्लाई बढ़ा देता है, किसी चीज का सप्लाई कम कर देता है।
तो सारी बातें पॉसिबल है। तो ये था हमारा एकदम बेसिक्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई का हमने डेफिनेशन देखा, सप्लाई क्या होता है और उसके डिटरमिनेंट्स देखे। तो आप ये लिखना चाहते हो? सर आप ऊपर कर लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लेती मैं, अभी कर मैं बाद में नोट डाउन कर लूंगी पढ़ते वक्त। सर डन। ओके हर्षा आपने भी ले लिया? सर मैंने नोट डाउन कर लिया था। ग्रेट, आपने नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि क्या है आप नोट डाउन करोगे ना तो आपका क्लास की क्लास में ही एक बार हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे ना तो आपको इतनी जल्दी एक बार पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, बाद में ये जो भी लिखा है ये मैंने डायग्राम के फॉर्म में आपको पढ़ा दिया है, तो आप डायग्राम फ्लो चार्ट पढ़ोगे ना तो ज्यादा इजी जाएगा। अब जैसे कि ये एग्जांपल है, हर एक पॉइंट के पास में उसका एग्जांपल लिख लेना है, या अगर आपको अच्छा खासा टाइम है पढ़ाई में तो आपने नोट्स बनानी है। कैसी नोट्स बनानी है? जैसे कि डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई, इसका फ्लो चार्ट बनाना है, क्या है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ऐसा एक एक लिख लेना है, फिर उसके नीचे उसके एग्जाम्पल्स भी लिख लिए, तो इतना सारा हमारा एक ही इसमें हो जाता है। या सेकंड ऑप्शन आप ऐसा कर सकते हो, जो मैं एग्जांपल लिखा रहा हूँ जैसे कि टेक्नोलॉजी का, जो भी मैंने एग्जांपल दिया एसी 5 स्टार 3 स्टार पर यूनिट कॉस्ट लेस, ऐसा लिखते चले जाना है, ठीक है? ओके तो अब देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई कुछ भी नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड जो हमने पढ़ा उसका इनवर्स है। लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड का पूरा इनवर्स है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था, अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस ऑफ द इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, उसका डिमांड कम होता है, ये था लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड ऑफर्ड फॉर सेल इंक्रीज एज द प्राइस ऑफ द गुड्स राइजेस and decreases as the price of and decreases as the price falls, ये एकदम logical बात है जो हमने ऊपर की। अगर कोई भी commodity की price बढ़ती है तो उसका supply बढ़ जाएगा, ठीक है? क्या है law of supply? Law of supply लॉ ऑफ सप्लाई बोलता अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, इफ प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, इफ प्राइस फॉल्स सप्लाई फॉल्स, देयरफॉर सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, बोल सकते हैं ना हमेशा सप्लाई है वो प्राइस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? तो यही है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। और इसका लॉजिक एग्जाम में कंफ्यूज हो गए कि लॉ ऑफ सप्लाई में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली है, डिमांड में क्या है, भूल गए, तो कुछ भी नहीं, सीधा सीधा हमारा लॉजिक लगाना है। लॉजिक ऐसा समझना है, हम है सेलर, हम सेलर है तो हम प्रोडक्ट का सेल कब बढ़ाएंगे, सप्लाई कब बढ़ाएंगे, जब हमें उसकी प्राइस ज्यादा मिलेगी, प्राइस ज्यादा मिलेगी मतलब हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, तब हम उसका सप्लाई बढ़ाएंगे, तो सप्लाई के केस में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, ठीक है? तो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी के जितने भी फैक्टर्स है, अभी जो हमने इतने सारे डिटरमिनेंट्स देखे, प्राइस ऑफ द रिलेटिव कमोडिटी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, एनवायरमेंट, ये सारी फैक्टर्स कांस्टेंट है। इन सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने के बाद में अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ती है तो हमारे कमोडिटी का सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है? तो यही बातें उन्होंने, ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ में यही सारी बातें उन्होंने एक्सप्लेन की है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब इसे शेड्यूल के फॉर्म में बताएं,
अगर कमोडिटी का प्राइस है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई कितनी रहेगी, ओनली 5। वही अगर उसकी प्राइस 1 से बढ़ के 2 हो जा रही है तो उसका क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर प्राइस और बढ़ गई तो उसका क्वांटिटी सप्लाई और बढ़ जाएगा, ठीक है। ये और डिमांड में क्या देखा था हमने, डिमांड में इसका उल्टा देखा था हमने, देखा था अगर प्राइस 1 है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड एकदम ज्यादा थी, प्राइस बढ़ गई थी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही थी, प्राइस और कम हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड सॉरी प्राइस और बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही थी, जब प्राइस एकदम मैक्सिमम थी तब क्वांटिटी डिमांडेड एकदम कम थी, है ना, ऐसा ही देखा था ना हमने। हेलो हेलो हेलो, हाँ समझ में आया, ये ऐसा ही देखा था ना हमने। आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, एक बार आप वापस रिपीट कर दोगे क्या? हाँ ठीक है, ये यहाँ से ब्रेक हुई ना हर्षा, टेबल 9 से। हाँ हाँ टेबल 9 से। हाँ तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती जाती है, 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई, 4 से 5 हुई, तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका सप्लाई भी हम बढ़ाते जाएंगे, 5 से 35, 45, 55, 65। इसका मतलब मान लो अगर एक प्रोडक्ट है X, उसकी प्राइस चल रही है 1 रुपया, तो हम उसको बेचने में इंटरेस्टेड रहेंगे या नहीं, तो हम सिर्फ 5 यूनिट्स बेचेंगे। वही अगर उसकी प्राइस रहेगी 5, तो हम उसे बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे ना, तो हम ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे। मतलब जब प्राइस बढ़ गई तो हमने उसका सप्लाई भी बढ़ा दिया, जब प्राइस एकदम कम थी तो हमने उसका सप्लाई भी एकदम कम रखा था। तो ये क्या था सप्लाई के केस में। सिमिलरली हमने डिमांड के केस में देखा था कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ती है तो फिर डिमांड बढ़ती है, प्राइस डिमांड के केस में प्राइस अगर गिरी तो डिमांड बढ़ती। यस, तो यहाँ पे देखो डिमांड के केस में प्राइस अगर सिर्फ 1 रुपए है, अगर सिर्फ 1 रुपए में हमें कोई चीज मिल रही है तो उसकी डिमांड देखो कितनी ज्यादा है, 65 है, लेकिन वही चीज हमें 5 रुपए में मिल रही है, मतलब महंगी में मिल रही है, तो उसकी डिमांड कैसी है, एकदम कम है। तो इसीलिए जो सप्लाई है, सप्लाई और डिमांड एकदम इनवर्स है, लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड एक दूसरे के इनवर्स है, ये समझा आपको? हाँ सर। ओके, इसमें टाइम कितना बता रहा है, 5 मिनट्स, चलो ठीक है कोई। तो लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड एक दूसरे के इनवर्स है। अब जब ये जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा कर्व मिलेगा। हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिए, क्वांटिटी ले लिए, एक्स एक्सिस पे हमने ये क्वांटिटी ले लिया, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, ये जो प्राइस है ये प्राइस ले लिया। तो जब हमने इसको प्लॉट किया, जब प्राइस कितनी थी, जब प्राइस थी 1 तो क्वांटिटी सप्लाई कितना था, 5। तो समझो ये प्राइस 1 है तो क्वांटिटी सप्लाई है 5, तो हमें ये वाला एक पॉइंट मिला। अरे यार पावर गया। जब प्राइस 2 हो गई तो क्वांटिटी सप्लाई 35 हो गया, तो प्राइस जब 2 हो गई तो क्वांटिटी सप्लाई देखो 30 और 40 के बीच में 35, और जब हमने ये दोनों पॉइंट को जोड़ाया तो हमें ये वाला कोऑर्डिनेट मिला, ठीक है। उसी तरह जब प्राइस 3 हो गई तो क्वांटिटी सप्लाइड कितना हो गया हमारा, 45 हो गया, तो 40 और 50 के बीच में 45, तो हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेट को जुड़ा रहे हैं। हेलो, हाँ सर। अरे एक मिनट, नेट कैसे कनेक्टेड है, मेरा तो पावर ऑफ हो गया। अच्छा हाँ चलो, दूसरा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, वाईफाई बंद हुआ और दूसरा एक और हॉटस्पॉट चालू था वो कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा सप्लाई कर्व, तो ये आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, सप्लाई कर्व क्या होता है ये समझ गया होगा। तो सप्लाई कर्व कहता है डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना वंशिता, अपवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एट अपवर्ड है ना, अपवर्ड है, राइट टू लेफ्ट है ना, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। नेगेटिव स्लोपिंग है ना, नेगेटिव, पॉजिटिव स्लोपिंग है सर, पॉजिटिव स्लोपिंग है। अच्छा
ये है हमारा सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व कर्व पे ऐसे था, इसका उल्टा डाउनवर्ड था, ये लेफ्ट टू राइट कॉमन हाँ है सर, और ये नेगेटिव। ठीक है, तो बहुत सिंपल टॉपिक है ये थर्ड वाला यूनिट। अब जैसे कि ये देखेंगे मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई, तो ये सेम वही है जो हमने डिमांड में देखा था। डिमांड में हमने क्या देखा था, डिमांड में हमने देखा था कि एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में अगर प्राइस कांस्टेंट है, मतलब प्राइस के हाँ थ्रू अगर कोई चेंज होता तो वो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता, और प्राइस अगर चेंज हो रही है, अदर फैक्टर, हाँ अदर फैक्टर में चेंज नहीं हुआ तो नहीं चेंज इंक्रीज या डिक्रीज होता है, प्राइस यस नहीं नहीं कांस्टेंट रखे अदर फैक्टर्स चेंज हुए तो। नहीं 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 सुनो सुनो, अगर अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई, उसे हम बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, और अगर सिर्फ प्राइस कम ज्यादा हो रही है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कम ज्यादा हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। कंफ्यूज हो रहा है क्या नहीं सर, उसको एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, अगर इसको? प्राइस चेंज हो रहा है तो, अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो उसको एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। हाँ, तो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मतलब ही इंक्रीज। देख लो ये जरा सा, नहीं ना सर, इंक्रीज और डिक्रीज का टॉपिक इज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। एक मिनट ना देख लेते हैं। हाँ देखो, अगर प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, प्राइस जब चेंज हुआ तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड आया। ओके, लेकिन अगर अदर फैक्टर्स भी चेंज हो रहे हैं, अदर फैक्टर्स भी चेंज हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये क्या है, ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व है, शिफ्ट हो रहा है कर्व, यहाँ से यहाँ चला जा रहा है। ठीक है, तो ये है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और ये क्या है मूवमेंट अलोंग द कर्व, ये क्या है मूवमेंट अलोंग द कर्व। आ रहा है क्या ध्यान में? हाँ सर सर, लेकिन स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हेलो,